हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कावेरी नदी के किनारे एक ऐसा स्थान है जहां 16 श्राद्ध पर गया जी की भांति ही पितरों का तर्पण होता है। ऐसा कहा गया है कि गया शिला स्वयंभू प्रकट हुई थी, उसी स्वयंभू गया शिला पर करते हैं तर्पण। पांडवकालीन जीर्ण शीर्ण मंदिर में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान का भी उल्लेख है। प्राचीन कथा व स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मार्कंडेय ऋषि ने इसी स्थान पर चतुर्मास किया था। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश में कराया था तर्पण। जिला मुख्यालय से 98 किलोमीटर दूर बड़वा तहसील के सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ सिद्धवर कूट के समीप कावेरी नदी के तट पर पहाड़ों के बीच स्थित है। पंडित जी यह भी बताते हैं कि गया जी में जो श्रापित नदी फाल्गु है जो विलुप्त है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अरण्य नदी है जो विलुप्त होकर कावेरी में मिल रही है। बताया जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहकर अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। 16 श्राद्ध में इस स्थान पर विद्वान पंडितों द्वारा 16 दिवसीय टेंट लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देव स्थापित करते हुए नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, महालय श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के साथ ब्राह्मण भोज का कर्म कराया जाता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये गया शिला मार्कंडेय ऋषि के द्वारा स्थापित है। जो मार्कंडेय ऋषि जी जीवन पर्यंत नर्मदा जी की परिक्रमा में रहते थे, उन्हें उनके पूर्वजों के निमित्त जब गया जी जाकर पिंड करना था तो उन्होंने यही नर्मदा और कावेरी जी के तट पर जब चतुर्मास किया तो चतुर्मास में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी, जिससे भगवान विष्णु अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पिंडदान करवाए और ये गया शिला अवतरित हुई जी। और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा यहाँ पिंड करने से उनके पूर्वज गया जी को प्राप्त हुए। जब से यह प्रथा चली आई है कि जो भी यहाँ पिंडदान करेगा उसे गया जी जाने की आवश्यकता नहीं होगी और गया का श्राद्ध ही फिर प्राप्त हो। मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये पांडवकालीन मंदिर है। जब पांडव लोग अपने क्षेत्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने 12 वर्ष के अज्ञातवास में एक वर्ष अपने ओंकारेश्वर क्षेत्र में काटा था। उसी समय में यहाँ पर ये मंदिर निर्माण हुए हैं जो पांडवकालीन है। कई मूर्तियाँ यहाँ पर विक्षिप्त रूप से है जो दर्शाती है कि ये पांडवकाल से यह मूर्तियाँ रखी गई है और पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ पिंडदान किए थे जो गया को प्राप्त हुआ। ये नदी जो गया जी में फाल्गुन नदी है उसी प्रकार ये नदी भी है। जैसे गया जी में फाल्गु के नाम से प्रचलित है, यहाँ पर ये नदी अरण्य वन अरण्य नदी के नाम से प्रचलित है। जिस प्रकार वो नदी श्रापित है, यहाँ भी नदी अवतरित है। यहाँ पर ये नदी अंदर ही अंदर भूमिगत चलती है। आगे जाके आप देखेंगे कि नदी पूर्ण रूप से बह रही है और आके कावेरी में मिली है, पर गया शिला के स्थान पर ये नदी विलुप्त है। पंडित धर्मेंद्र पाठक, मैं मोटक्का खेड़ी घाट से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजे और कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा के मंडलेश्वर में कार्यकर्ताओं के साथ SDM कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। हजारों की संख्या में मवेशी बहकर मर गए। किसानों के घरों में रखी सोयाबीन, गेहूं, सरसों, लहसुन, चना की फसलें नष्ट हो गई। घरों की तबाही ऐसी हुई कि सर छुपाने की जगह नहीं बची। मुख्यमंत्री और मंत्री प्रभावित गाँव में समय पर नहीं पहुँचे। सभी जिलों में सरकार कोई सर्वे ना कराकर उसका 100% नुकसान मानकर किसानों को RBC की पुस्तिका में उल्लेखित मुआवजा प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए दिए जाएं, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था। सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, जिसमें सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 वर्षों के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से अंधेरे में धकेल दिया है। कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था कि किसानों को 3 फेज बिजली प्रतिदिन 12 घंटे देना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें कम से कम 8 घंटे दिन का समय रहेगा। सरकार नियमित रूप से खेती के लिए दिन में 12 घंटे बिजली देने का वचन पूरा करें,
और ग्रामीण क्षेत्र में अविलंब कटौती बंद कर नियमित रूप से दिन में 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति करें। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकास खंड में जहां पर सभी विभागों के मुख्य कार्यालय हैं, वहीं मुख्यालय पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत है। इस स्कूल में लगभग 800 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार की शिक्षा नीति में हुए ट्रांसफर नीति के आगे स्कूल के छात्र अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। सारे शिक्षक इस स्कूल से अन्य जगह चले गए हैं और स्कूल में केवल 28 पद शिक्षकों के नियुक्त हैं, जिसमें से केवल 6 शिक्षक वर्तमान में उपस्थित हैं एवं 6 अतिथि हैं। 2 शिक्षकों को अटैच करके बुलाया गया है। अन्य स्कूल से 28 शिक्षक होना चाहिए, उसमें केवल 50 शिक्षक हैं, तो शिक्षा के क्या हाल होंगे आप ही समझ सकते हैं। स्कूलों में पूरे पीरियड लग नहीं रहे हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनकी देख रेख करने वाले स्कूल में कोई नहीं है। बच्चों की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं हैं। 12वीं एवं 9वीं क्लास के बच्चों ने बताया कि सर, हमारी कभी आज तक पूरे पीरियड नहीं लगे हैं, 2 से 2.5 महीना हो गए हैं स्कूल खुले हुए, केवल हमारे 1-2 ही पीरियड लगते हैं, हम ऐसे में क्या पढ़ाई करेंगे, हमारा तो भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हमने सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया, प्राइवेट में लेते तो शायद हमारा भविष्य आज उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होता। हमारी शिक्षा केवल राम भरोसे चल रही है, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि शिक्षा के इस मंदिर में जाकर देखें कि बच्चों में किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। ऐसे ही गरीबों के बच्चों का बेड़ा पार होगा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। लगभग आपकी स्कूल को लगे 2 महीने से अधिक का समय हुआ, अभी तक आपको किताबें मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। कोई सी विषय की? हिंदी और इंग्लिश मिली है, राजनीति इतिहास और अर्थशास्त्र की नहीं मिली। अच्छा, तो इसमें आपने टीचर से संबंध में बात की कि भाई ये किताबें क्यों नहीं मिल पाई, क्या बोला था? लेकिन मैडम ने बोला कि अभी किताबें छपी नहीं है। अच्छा, मैडम का कहना भी किताबें छपी नहीं है। यस। तो सारे बच्चे अभी क्लास, कितने बच्चे हैं 8 में? 56 लड़कियाँ, 72 लड़कियाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम राहुल लहरवाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 12 आर्ट्स। आपको आर्ट्स की अभी किताबें मिली कि नहीं मिली? नहीं। अच्छा, 2 महीने ज़्यादा समय हो, कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हो कि किताब ना मिली। पेपर आ चुके हैं हमारे, हमारे लाने अब तक बुकें नहीं मिली, बता हमारी क्या पढ़ाई हो रही होगी अभी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो पिछड़ती जा रही, किताब ना मिलने से। 12वीं की और अभी तक हमारी किताबें नहीं मिली, पेपर आ चुके हैं। जी जी जी। तो मैडम से वगैरह से बात की? मैडम से ही बात की थी, मैडम बोल रही है अभी छपी नहीं है किताब। कौन सी क्लास में? 9th में। अभी आपके टीचर इसमें पूरे पीरियड ला रहे हैं क्लास में? पूरे काफी दिन लगती है, एक दो महीने, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, तो आपको पूरे पीरियड नहीं लगे अभी तक। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी ना आपको। तो कौन कौन सा पीरियड लग रहा है आपका अभी? आईटी का लगता है और बस इंग्लिश का बस। और बाकी 4-5 पीरियड नहीं लगे? लंच की बाकी है। अच्छा, केवल 3 पीरियड लग रहा है बस 7 में से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश में गुना जिले के बीनागढ़ नगर में आज किसानों के हित में, किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चाचौड़ा पूर्व विधायक ममता मीना के नेतृत्व में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक ममता मीना ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता मीना ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरे करने में पूरी तरह से असफल रही है। प्रदेश कांग्रेस सरकार क्षेत्र के किसानों की खराब हुई फसलों का तुरंत सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाए एवं वृद्धावस्था पेंशन सहित 21 बिंदुओं पर मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार चाचौड़ा सुधीर कुशवाहा को दिया।
चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। सभा पर प्रदेश व्यापी यह धरना आंदोलन है और शांति के साथ हमने किया है, क्योंकि किसानों की खड़ी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है, फसलें खड़ी है, कोई तो अपालन है, कई कीटनाशक उसमें लग गए, कई पीला मोजक लग गया और उसके कई अपालन हो गया, कई जो फली लग रही थी वो भी टूट के गिर रही थी। अभी तक कोई भी सर्वे करने अभी तक पहुंचा नहीं है, सरकारी अमला पहुंचा नहीं है। तत्काल सरकारी अमला जाए, सर्वे कराए और 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो किसानों को 2 लाख रुपए के कर्जे का झूठा वादा करके जो ये लंगड़ी लूली सरकार आई है, किसानों को तत्काल 2 लाख रुपए का ये कर्जा जो माफी घोषणा करी थी वो माफी, कर्जा माफी करे। और उन्होंने राहुल गांधी जी उस समय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनने आके कहा था उज्जैन में कि नहीं तो 10वें दिन में हम लोग, अगर इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया मध्य प्रदेश का, हमारी सरकार बनाओ नहीं तो हम 10वें दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो इतना समय होने आ गया, 9 महीने हो गए, 10वां महीना चालू हो गया, अभी तक तो इन्होंने मुख्यमंत्री को बदला नहीं है, तो इनको बदलना भी चाहिए, क्योंकि 2 लाख का कर्जा माफ अभी तक हुआ नहीं है और 2 लाख का कर्जा माफ करे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में किसानों की अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज खिलचीपुर तहसील चौराहे पर बीजेपी द्वारा धरना आंदोलन किया गया। इसका नेतृत्व सांसद रोडमल नागर ने किया। धरने को संबोधित करते हुए सांसद रोडमल नागर और पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की बर्बाद हुई फसल का प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की, वहीं किसानों की फसलों की क्षति का आकलन करवाकर बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाने की भी मांग की और चेतावनी दी कि सरकार ने किसानों के हित में कदम नहीं उठाए तो बीजेपी सरकार के खिलाफ आगे भी आंदोलन करेगी। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार के मंत्री आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री आज तक प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं, ऊर्जा मंत्री के होते हुए भी क्षेत्र में लाइट कटौती हो रही है। 2 घंटे तक चले धरने और भाषण के बाद सभी लोग नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और सांसद ने राज्यपाल के नाम 21 बिंदुओं का मांग पत्र का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर पूर्व विधायक हजरीलाल दांगी, पुरसिंह पवार सहित कार्यकर्ता किसान मौजूद थे। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उस 2-2 लाख के लालच में गलत फहमी में आ गए, विद्यार्थियों को, बहनों को, बेटियों को, एक एक वर्ग को जो लोक लुभाव ने नारे लगाए थे, जो वचन दिए थे, एक का पालन नहीं हो रहा, एक का पालन नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से मुसीबत इस प्रदेश पर आई है, किसान पर आई है, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के सहित राजगढ़ क्षेत्र के भी सारे के सारे लोग हम किसानों के साथ में खड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।